दोस्तों, आज हम कार्प मछली की एक ऐसी प्रजाति के बारे में बात करेंगे जो साल भर में आराम से आपका 1.5 से 2 किलो पहुंच जाती है। यकीन मानिए, ये हाइब्रिड जो आपकी पंगेसियस है उसके बराबर इक्वली ग्रोथ करती है। पर इसमें समस्या ये है कि लोग इसे सही तरीका से मैनेज नहीं कर पाते। यदि मोनोकल्चर में इस मछली की फार्मिंग की बात करें तो ये अभी तक उतना सक्सेस हुआ ही नहीं है। पर यदि आप मिक्स कल्चर या पॉली कल्चर करते हैं तो इसमें कई गुना प्रॉफिट लेने का चांसेस है। तो आज हम जानते हैं सिल्वर कार्प मछली के बारे में, जिसको हम ज़्यादातर IMC या ग्रास कार्प या कामन कार्प इन सब के साथ पालते हैं। ये EMC ब्रीड है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर सिल्वर कार्प की सही स्टॉकिंग डेंसिटी क्या है और सही तरीके से सिल्वर कार्प के लिए तालाब का चयन कैसे करें, और इसके साथ ही साथ हम बात करेंगे कि सिल्वर कार्प में फीड का मैनेजमेंट कैसा होगा और इसको हार्वेस्टिंग आप किस तरीके से कर सकते हो। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कोयतुर फिश फार्मिंग इंडिया में। आज हम सिल्वर कार्प मछली पे डिटेल पे चर्चा करने वाले। तो दोस्तों, सबसे पहले देखिए, इस छोटे से मछली का एक आपको एक परिचय देता चलूं। ये मछली बेसिकली चाइना से होते हुए धीरे धीरे अमेरिका पहुंची और अमेरिका से होते हुए ये भारत पहुंची है। इसका जो मेन लोग इसका जो यूज करते हैं या इस मछली को जो पालने के पीछे जो उनका मकसद रहता है, वो या तो जो आपका वेस्टेज या सीवेज जो नीचे जमा होता है और बहुत अधिक जो फाइटोप्लैंकटन बन जाते हैं, प्लैंकटन ब्लूम्स जो हो जाते हैं, ये उनको क्लियर करने के लिए उपयोग करते हैं। ये मछली पानी के सतह पर रहती है और बहुत ज़्यादा प्लैंकटन खाना पसंद करती है। लेकिन आप इसे कमर्शियल फीड में पालना चाहें तब भी आप इसको आसानी से पाल सकते हैं और साल में 1.5 से 2 किलो इजीली आप इसको कर सकते हैं। तो देखिए, यदि आप बायोफ्लॉक कर रहे हैं तब तो ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन यदि आप पोन लाइनर कर रहे हैं और आपको एल्गी ब्लूम्स की प्रॉब्लम्स आ रही है, कुछ दोस्तों ने मुझे फोटोज वीडियो भेजे हैं, तो उस पोजिशन पर आप इस मछली का चयन कर सकते हैं। साइज क्या रहेगी, कितनी मात्रा में डालनी चाहिए, इस पर हम लोग वीडियो पे आगे चर्चा करेंगे, नहीं तो मेन टॉपिक से हम लोगों को हट जाना होगा। तो अभी मेन टॉपिक पे बात करते हैं कि सिल्वर कार्प को आपको कैसी फार्म करनी चाहिए। अब आते हैं तालाब के बारे में। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हम वीडियो के स्टार्ट में कह चुके हैं कि ये तालाब के ऊपर हिस्से में रहती है। तो अगर आप IMC में आपका रोहू हो गया, कतला हो गया, मृगल हो गया, इसके साथ इसकी फार्मिंग करते हैं, तो देखिए इसमें यदि फीड कंपटीशन की बात करूं, खाने में जो आपका जो कंपटीशन होगा उसकी बात करूं, तो कतला के साथ इसका डायरेक्ट कंपटीशन है, क्योंकि कतला भी सेम रीजन में फीडिंग करती है। तो इसके अनुसार आपको कतला की जो मछली है वो आपको थोड़ी सी कम डालनी पड़ेगी यदि आप सिल्वर कार्प डाल रहे हैं तब। देखिए, IMC मछली की तरह ये भी एक प्रकार का कार्प फैमिली से आता है, इसलिए कई लोग अक्सर कई बार पूछते हैं कि सर 1000 या 2000 स्क्वायर फीट के तालाब में इसकी फार्मिंग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो देखिए, इसका डायरेक्टली जवाब है नहीं। तालाब के मैं साइज की बात करूं तो देखिए, ये मछली 1 एकड़ से नीचे के तालाब में फार्मिंग होने का चांसेस इसके नहीं के बराबर है। तो अगर आप ऐसा करने की कोशिश करेंगे तो भी आपको प्रॉफिट कुछ होना जाना है नहीं, सिर्फ नुकसान ही होगा। तो इस मछली की जो आदत है कि अपने बॉडी वेट का लगभग लगभग ये 3 गुना तक खाना खाती है। एक मूवी का आपने डायलॉग सुना होगा कि अजीब जानवर है, खाते ही जाता है खाते ही जाता है, सेम इस मछली के साथ ही कहानी है। इसलिए इसका बढ़वार पंगेसियस से भी तेज है। इसलिए अगर आप आपके तालाब में बहुत ज़्यादा प्लैंकटन बना हो या आपके पानी का रंग जो है भूरा दिखाई दे रहा हो, जो प्लैंकटन बहुत ज़्यादा बना हुआ हो, तो आप सिल्वर कार्प मछली इसमें छोड़ दीझिए। आपके पानी को कंट्रोल करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ झंझट उठाने की जरूरत नहीं, आप इजीली इसको कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों, यदि मैं सीड की बात करूं तो देखिए, यदि सिल्वर कार्प के जो बच्चे हैं, आप हमेशा कोशिश करिए कि फिंगरलिंग के बजाय आप ईयरलिंग बच्चे लीजिए। तो ईयरलिंग बच्चे स्टॉक करना सिल्वर कार्प के काफ़ी अच्छे होते हैं, क्योंकि अगर आप नए किसान हो तो देखिए, नर्सरी में यदि आप, जैसे हम पहले बताया कर रहे थे कि आप फ्राई डालिए, फिर उसको फिंगरलिंग में कन्वर्ट कीजिए, और फिंगरलिंग में कन्वर्ट करके फिर आप अपने पॉन में स्टॉक कीजिए, तो आपको ईजी जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पर बता दूँ, यदि आप नए किसान हैं तो नर्सरी में फ्राई से फिंगरलिंग बनाना सिल्वर कार्प का बहुत ही डिफिकल्ट है, क्योंकि जब ये मछली फ्राई साइज में होती है तो ये बहुत ज़्यादा जूप्लैंकटन खाती है, और जैसे ही थोड़ी फ्राई से बड़ी होती है तो ये फिर फाइटोप्लैंकटन खाना चालू करती है।
और फिर नए जो फार्मर रहते हैं उनको इसको मैनेज करना बहुत मुश्किल। यदि मैं फीड मैनेजमेंट की बात करूँ तो सिल्वर कार्ब में देखिए फीड मैनेजमेंट उतना मुश्किल नहीं है, बस ज़रूरी क्या चीज़ है कि आपका नेचुरल फीड तालाब में अच्छा खासा होना चाहिए, यानी कि फाइटोप्लैंकटन जूप्लैंकटन आपके भरे पर रखना चाहिए। तो इसके लिए आप जो वही तरीके अपनाते हैं कि जो आपका आर्गेनिक इनऑर्गेनिक तरीके से जो तालाबों को रिचार्ज करते हैं यूरिया डीएपी डाल के या गोबर खाद को डाल करके, या फिर आजकल मार्केट में देखेंगे आप अमेजन फ्लिपकार्ट इसमें आप देखेंगे तो प्लैंकटन प्लस या बहुत सारे ऐसे मेडिसिन जो फाइटोप्लैंकटन को बढ़ाने के लिए मार्केट में आती हैं, आप चाहे तो उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं और कमर्शियल फीड में तो आप पाल ही सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। पर हमारे ज़्यादातर किसान जो है देखिए नेचुरल फीड की तरफ जाना पसंद करते हैं जो लोग सिल्वर कार्ब का फार्मिंग करते हैं। इसके अलावा आप घर में जो बना हुआ जो आपका फीड है होममेड फीड है इसको भी आप यूज कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा जो आपका राइस ब्रान हो गया, मक्के का दाना हो गया, सरसों की खली हो गया, इन सब का भी इस्तेमाल आप इजीली कर सकते हैं। तो दोस्तों आप अगर घर में फीड बनाने के बारे में डिटेल में वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल लिख भेजिए। कई सारे लोगों का सवाल रहते हैं मगर अभी तक किसी ने ये सब पूछा नहीं है, बोला नहीं कि इस पर एक वीडियो बननी चाहिए, तो इसके ज़्यादा व्यूवर्स नहीं है बोल के हमने वीडियो नहीं बनाई है। यदि आपको लगता है कि कमर्शियल होममेड फीड बनाने के तरीके को आपको समझना है तो बिल्कुल मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं बिल्कुल इस पर वीडियो जो है बना दूंगा। अब आते हैं स्टॉकिंग के बारे में। तो देखिए एक एकड़ में आप इसका कितना स्टॉकिंग कर सकते हैं ये मेनली आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा हो तो दोस्तों पहले मैं आपको बता ही चुका हूँ कि आईएमसी के साथ साथ इसको स्टॉक कर ऊपर के लेयर में कोई कंपटीशन ना हो। इसलिए देखिए कतला जितना आप स्टॉक करने की सोच रहे हैं, सपोज आपने कतला 2000 स्टॉक करने की सोची तो उसमें आप 30-40% या 50% तक, यानी मान लें 2000 स्टॉक करने वाले हैं तो उसमें आपने 500 कम कर दिया और 1500 आपने कतला डाल दिया, 500 आपने सिल्वर कार्ब डाल दिया, इस तरीका से आप इसको छोड़ सकते हैं। इसके अलावा आप कामन कार्ब ग्रास कार्ब इसके साथ भी आप इसका इजीली फार्मिंग कर सकते हैं, लेकिन उस केस में आपको ये ध्यान रखना होगा कि प्लैंकटन खाने के लिए देखिए कई लोग क्या करते हैं ग्रास कार्ब के साथ सीधा सीधा बी ग्रेड डाल देते हैं, तो ये बी ग्रेड हो गया ग्रास कार्ब हो गया इनके साथ ऐसा कॉम्पिटिशन बढ़ जाता है, तो उनकी संख्या को आप लोग ध्यान रखिए। और बी ग्रेड जो बोलते हैं एक्चुअली बी ग्रेड मछली है, लोग उसे बी ग्रेड बोल दिया करते हैं, ये बैन है तो इसकी फार्मिंग ना ही करें तो काफ़ी अच्छा हो। लोग जान रहे हैं कि हाइब्रिड मांगुर बैन है, इसके अलावा भी कुछ कुछ मछलियां बैन है उसमें बी ग्रेड का भी नाम आता है, तो आप इसकी भी फार्मिंग ना करें। तो देखिए जब ऐसी केस की बात आएगी तो आप देखिए 100-150 ज़्यादा सिल्वर कार्ब, ज़्यादा से ज़्यादा आप 100-150 सिल्वर कार्ब छोड़िए, उससे ज़्यादा मत छोड़िए क्योंकि ये आपके फायदेमंद वाली बात नहीं रह जाएगी। वैसे अगर आप जीरो लागत में ग्रास का पालन करना चाहते हैं तो देखिए हमारे चैनल में इसका डिटेल वीडियो ऑलरेडी पहले से मैं डाल चुका हूँ। तो दोस्तों आपको बहुत बढ़िया क्वालिटी का सीड चाहिए या कोई फिशरी से प्रोडक्ट चाहिए तो आप हमें बिल्कुल फ़ोन कर सकते हैं जो नंबर प्लेस हो रहे हैं, और JY05 कोड का यूज करेंगे तो आपको 1000 रुपये तक तो डिस्काउंट मिल ही जाता है। तो एक चीज़ आपको ध्यान रखना होगा कि यदि आप मिक्स फार्मिंग करते हैं तो तालाब में जो पानी का जो डेप्थ है तो देखिए वो कभी भी 6 फीट से कम नहीं होनी चाहिए, 6 फीट से 8 फीट के बीच रखिए, क्योंकि जितनी भी आप मिक्स फार्मिंग करेंगे अलग अलग जो मछलियों का जो रेंज होगा जो रहने का या खाने का जो जगह होगा वो बिल्कुल डिफरेंट जगह हो, तो सबके लिए अलग अलग लेयर देना बेहद जरूरी ताकि कॉम्पिटिशन आपस में ना बन जाए। अगर आप सिर्फ नेचुरल फीड में इस मछली को पाल रहे हैं तो ये मछली देखिए 1.5 से 2 साल में 2 किलो तक 2.5 किलो तक छू जाती है, और मार्केट में इसका रेट अलग अलग जगह अलग अलग होता है। अगर मैं अपने लोकल मार्केट की बात करूं छत्तीसगढ़ की तो देखिए यहाँ सिल्वर कार्ब का भाव थोड़ा सा कम है, अलग अलग एरिया में अलग अलग भाव हो सकता है। यदि मेरे यहाँ यदि यूपी से एमपी से बिहार से या उड़ीसा से कोई फार्मर देख रहा है या आंध्र तरफ से कोई फार्मर देख रहा है तो बिल्कुल मुझे लिख के भेजें कि वहाँ इसका क्या प्राइस है, ताकि किसानों को एक साथ पता चल सके कि अलग अलग एरिया में इसका कीमत क्या क्या मिल रहा है। देखिए इसके साथ सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है सिल्वर कार्ब के साथ, एक बड़ी समस्या ये है कि यदि आपका तालाब आपके मार्केट से दूर है, इस पोजिशन में क्या होता है कि आपका ये जो मछली है हार्वेस्ट करने के बाद बहुत जल्दी ख़राब होती है, परमिसेबल है ये, तो इस पोजीशन में क्या होगा कि आप उसको मार्केट तक सही पोजीशन में फ्रेश ला नहीं पाएंगे, तो आप इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, आपके लिए स्क्रिप्ट लिखा था केशव राव जी ने और मैं कैमरे के पीछे पुष्पक राठिया। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और किसी अपनों तक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जवाहर नमस्कार।